नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। 24 फरवरी को नागपुर राम झूले का जो हिटेंडेंट केस हुआ था वो पूरे शहर में सबकी जुबानों पर है। इस केस की मुख्य आरोपी रितु मालू फरार थी और पुलिस पर इल्जाम लगे थे कि वे आरोपी को बचा रहे हैं, लेकिन अब इस केस से जुड़ी एक नई खबर सामने निकल के आ रही है। मुख्य आरोपी रितु मालू ने तहसील पुलिस को सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी जो तहसील पुलिस का जो एक्सीडेंट का गुना था उसमें जो फरारी आरोपी थी रितु मालू, उनको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो उन्होंने खुद सरेंडर किया है, तो उनको भी अरेस्ट की प्रोसीजर पूरी की जा रही है। उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस मैटर में वो वैसा कुछ मैटर नहीं है, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंटली इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सबके सामने हम रखे हैं बार बार, और बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। कल कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करके कोर्ट का जैसे निर्णय होगा वैसे एक्टिविटी की। हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, कोई भी इसमें कसर छोड़ी नहीं हमने, वही हमें आवाज़।